हुण खबरां विस्थार नाल। कल लोक सभा विच विरोधी धिर दे हंगामे दौरान ललित मोदी दे मुद्दे ते जवाब दिंदिया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने ते सारे दोषां नूं सिरे तों नकार दिता है अते एक कैंसर पीड़ित महिला दी मदद करन नूं भलाई दा काम दस्सिया है। सुषमा स्वराज ने राहुल ते व्यंग करदिआं उन्हां नूं छुट्टियां दौरान अपने परिवार की कारगुजारी की पड़चोल करन दी नसीहत दित्ती। मैं कहना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, सुषमा स्वराज ने कोई काम छुप छुप के नहीं किया। अगर छुप छुप के किया तो क्वात्रोची को भगाने का तुमने किया। अध्यक्ष जी, अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम छुप। अध्यक्ष जी, मैं यहाँ के माननीय सांसद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कहना चाहती हूँ, आपको बहुत शौक है छुट्टियाँ मनाने का, दो दो महीने आप छुट्टियाँ मनाते हैं, आप जाइए किसी दिन, इस बार की छुट्टी में कहीं एकांत में बैठकर अपने परिवार का इतिहास पढ़िए और अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगी उन्हें कहिए अकेले में बैठकर क्वात्रोची से शहरयार तक के सारे काले कारनामे जो उस इतिहास में दर्ज हैं उनको पढ़ें और लौट कर पूछे मम्मा क्वात्रोची के उसमें हमने कितना पैसा लिया था, पूछे मम्मा 15,000 के हत्यारे को एंडरसन को डैडी ने क्यों छुड़वाया था और पूछे कि एंडरसन को छोड़कर शहरयार को लाकर उन्होंने एक क्विड प्रो को क्यों किया था। मैं बताना चाहती हूँ खड़गे जी, जो क्विड प्रो को आप कह रहे हैं इसे कहते हैं क्विड प्रो को जब एंडरसन को छुड़वाकर शहरयार को लाया जाता है, ये परिभाषा है क्विड प्रो को। उधर लोक सभा विच राहुल गांधी ने ललित मोदी मामले ते टिप्पणी करदिआं सुषमा स्वराज वल्लों लुक छिप के कैंसर पीड़ित महिला दी मदद करन ते कई सवाल खड़े कीते। राहुल ने सुषमा वल्लों कीती इस मदद नूं असिद्धे तौर ते काले ताना जोड़ के पेश कीता। राहुल गांधी ने इस मसले ते प्रधानमंत्री मोदी दी जवाबदेही मंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राहुल नूं बिना जानकारी वाला विद्वान दसदिआं कांग्रेस वल्लों लगाए सारे दोषां नूं बेबुनियाद दस्सिआ। जेटली मुताबिक कांग्रेस दे किसी भी नेता दे बयान तर्क आधारित नहीं ने। ललित मोदी मुद्दे ते जेटली ने स्पष्ट किया कि बीजेपी सरकार सुषमा स्वराज दे नाल है अते उस तो अस्तीफा नहीं लिया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर सेड ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। टुडे ही डज नॉट हैव द गट्स टू सिट इन दिस चेयर एंड टेक आवर क्वेश्चंस। सुषमा जी दुनिया में पहली ह्यूमैनिटेरियन है, पहली ह्यूमैनिटेरियन है जो छुपकर ह्यूमैनिटेरियन काम करती है। अच्छा मैडम, मैडम हमने सुषमा जी से दो सवाल पूछे हैं। एक सवाल ये था कि आपको आपके परिवार को कितना पैसा मिला और दूसरा सवाल आपने ये काम छुप के क्यों किया, क्यों नहीं किया, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बताया, या बताया, बताया या नहीं बताया। माननीय अध्यक्ष जी, यह उम्मीद थी कि कोई इतना बड़ा कांड हो गया कि पूरे देश के लोकतंत्र को खतरा पहुंचा दे
और उस लोकतंत्र को जो खतरा पहुंचाएं कि सदन में कानून ना बनने दें, जिन विषयों को लेकर देश की आर्थिक प्रगति होनी है उन विषयों पे एक राय भी बन चुकी है, फिर भी उनको पारित ना होने दें, शायद कोई बहुत बड़ा अपराध होगा जो सरकार की तरफ से किसी ने किया होगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि खड़गे जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने और अन्य सदस्य जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, सरकार उनको पूरे रूप से निराधार मानती है, उनको खारिज करती है। मैडम स्पीकर, कहा गया कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, अनुप्रिया जी ने कहा, लेकिन शायद वो भी अपने आप में अतिशयोक्ति थी क्योंकि वो भी नजर नहीं आ रहा। रुक कर दें अगली खबर वल। दीनानगर ते उधमपुर विच हुए अतवादी हमले तो बाद भारत पाकिस्तान दे रिश्तियां विच करवाहट वधदी नजर आ रही है। भारत दे आजादी दिवस मौके भारत वालों पाकिस्तानी रेंजरां नूं मिठाई नहीं दिती जाएगी। इस गल दा प्रगटावा बीएसएफ दे डीआईजी अजीत पालीवाल ने किया है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर वालों हजारां रुख लगाए जा रहे ने। पालीवाल अनुसार इस वार ना तो मिठाई भेजी जाएगी ते ना ही लई जाएगी। भारत पाकिस्तान सरहद ते होने वाली रिट्रीट सरमनी भी करड़े सुरक्षा प्रबंधा हेठ करवाई जाएगी, जिसका जिम्मा पंजाब पुलिस अते बीएसएफ दे अधिकारी सांझे तौर ते करनगे। पंद्रह अगस्त को लेके पूरे बॉर्डर पे अलर्ट है, हमको हायर हेडक्वार्टर से एक्स्ट्रा मैन पावर भी मिली है और उसके अलावा हमारे जो सारे अधिकारी हैं वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लोकेशंस की बजाय फील्ड लोकेशन में हैं। दिन और रात बॉर्डर पे कड़ी चौकसी बरती जा रही है। इस बार ये कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम न किसी प्रकार के स्वीट्स देंगे न ग्रहण करेंगे। बठिंडा जिले विच डेंगू दा कहर जारी है। पंजाब विच डेंगू दे मरीजां दी सब तो वध गिनती बठिंडा जिले च पाई गई है। 71 दे करीब लोग डेंगू दी चपेट विच आ चुके ने, जिस नाल सेहत विभाग दी जिम्मेवारी वध गई है, जो शहर दे कई हिस्सेयां विच सर्वे करवा रहा है। सेहत विभाग दीआं वख-वख टीमां लोकां नूं डेंगू प्रति जागरूक कर रहीआं ने अते वख-वख थावां ते खड़े पाणी दी निकासी करवाई जा रही है। मच्छरां दी रोकथाम लई पाणी विच तेल जां दवाईआं दे छिड़का दा कार्ज शुरू कर दिता गया है। डेंगू का हम इन्होंने बुखार का बहुत जोर है, परिवार से इन्होंने दो तीन मरीज पे आ भी सारा डेंगू हो चुके हैं। इन्होंने सफाई का ना ख्याल होता, नालियाँ से मच्छर ज आते नहीं, सफाई वाले प्रशासन वाले पूरा ध्यान देना चाहिए। सफाई रही नहीं हैगी बिल्कुल भी, सरकार को ध्यान रखना चाहिए सफाई वास्ते, तो सफाई वो तो वह जो कोई पानी खड़ा है गंदा पानी है या होर पानी खड़ा साफ पानी की उस सफाई हो गए कि सबनों डेंगू दोबारे ना हो। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय वालों स्वच्छ भारत मिशन तहत सफाई संबंधी सर्वे विच सिफती दे कार अमृतसर साहिब दा नां 430वें नंबर ते आया है। इस दा नां उन्हां शहरां दी लिस्ट विच आया जिन्हां विच खुल्ले च गंदगी सुट्टी जांदी है ते कूड़े करकट दे निपटारे दा विशेष प्रबंध नहीं है। इस सर्वेखण नूं गंभीरता नाल लैंदिआं अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने पूरे शहर समेत हरिमंदर साहिब दे नेड़ले इलाके विच साफ सफाई नूं तरजीह देण दी गल कही है। शहर दी नगर निगम नूं सफाई लई जिम्मेवार दसदिआं ठीक ढंग नाल काम करन दी सलाह दित्ती। उन्हां लोकां नूं अपील कीती है कि शहर दी सफाई वी अपना योगदान देण। सिख मत्था टेक के बाहर निकलदे ने ते बाहर कूड़े दे ढेर उन्हां दे मत्थे लगदे ने, जो एक बहुत ही मन दे उत्ते माड़ा असर पैंदा है। उहदे वास्ते महापुरशां ने एक बहुत वड्डा उपराला कीता, सेवावां आरंभियां ने। दास ने कल वी बेनती कीती सी कि जो पिंडां दीआं संगतां ने उह वी इस पासे वास्ते अग्गे आउण ते शहर दी सफाई वास्ते असीं योगदान पाईए, और खास करके जो प्रशासन है कारपोरेशन है उह अपणियां ड्यूटियां समझदे होए शहर दी सफाई वास्ते जो गलियां दे विच गलियां नूं तंग करन वास्ते वहीकल खिलारे जांदे ने उहनां वल्ले कोई ध्यान नहीं दित्ता जांदा। गलियां दे विच सफाई होनी चाहीदी, गलियां खुल्लियां होणियां चाहीदियां ने,
अमृतसर पुलिस ने पिछले दिनी अमृतसर दे रंजीत एवन्यू विच स्टेट बैंक दे एटीएम दी लुट दी वारदात दी गुत्थी सुलझाउंदिया एटीएम दे कस्टोडियन नूं गिरफ्तार कर लिया। सुशांत कुमार दी ड्यूटी एटीएम विच पैसे जमा करवाउण दी सी पर उसने पैसे हड़प करन दे लालच नाल वारदात नूं अंजाम दे के एटीएम नूं अग लगा दित्ती सी। पुलिस ने दोषी पासों लुट दे 2,80,000 रुपए बरामद किए ने। इस मामले विच चार दोषी अजे फरार दसे जा रहे ने। जो कस्टोडियन है सुशांत कुमार इलियास सनी सन ऑफ सुरजीत कुमार, इसको हमने अरेस्ट की। उसे DVR CPU और 2,80,000 की कैश बरामद हुई है। इसने चार साथियों के साथ ATM का जो पासवर्ड होता है वो खोल के ये CPU और DVR भी कहीं गायब कर दिया। और दूसरी बात है कि ATM में जितने भी अमाउंट थी वो उन्होंने लेके फरार हुए। तो चार बंदे इसमें इन्वॉल्व है। और हरी के हेड़ तो वधेरे पानी छड़न करके हथाड़ एरिए विच पानी च फसे 45 प्रवासी मजदूरां नूं सिविल प्रशासन ने काफी मुशक्कत तों बाद बचा लिया। बरसातां कारण हरी के दरिया विच वध रहे पानी दे पद्धर कारण प्रशासन ने लोकां नूं सुरक्षित थावां ते जाण डिकिया सी, पर कुछ प्रवासी मजदूर पानी दे तेज बहाव विच फस गए सन जिन्हां नूं बेड़ियां राही पानी चों बाहर कढ लिया गया। इस मौके प्रशासनिक अधिकारियां ने इलाके दे लोकां नूं सतर्क रहण लई कहा। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਹਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀੜੀਆਂ ਤਿਆਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰਨੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੀੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੀ 45 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। दीनानगर ਅਤੇ ਉਦਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।